पांडव नगर में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। जयपुर घूमने गया हुआ था परिवार, चोरों ने घर में रखे पैसे और गहनों पर किया हादसा। गांधीनगर में पुलिस ने एक फर्जी गैंग का किया भंडाफोड़। भारतीय मुद्रा से विदेशी मुद्रा बदलने का करता था कारोबार, पुलिस ने मौके से 10,000 रुपए किए बरामद। पूर्वी दिल्ली की जनता पर महंगाई की मार, सब्जियों के दामों में फिर उछाल, महंगी सब्जियों से बिगड़ा रसोई का बजट। पूर्वी दिल्ली नगर निगम दे रही रेहड़ी पटरी वालों को मदद, व्यवसाय के लिए दिया जा रहा लोन, 26 जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाएगा लोन। रेहड़ी पटरी शोषण को रोकने के लिए दिया जा रहा लोन। शरद विहार का बस स्टैंड हुआ जर्जर, बस स्टैंड की छत गिरने का लोगों में डर, स्टैंड पर बैठने की भी सुविधा नहीं, बस स्टैंड पर नहीं रुकती कोई भी बस। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में एक चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। चोरों ने घर में रखे पैसे और गहने पर हाथ साफ किया, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। DCP प्रियंका कश्यप ने कार्यवाही करते हुए एक टीम गठित की है, जिसमें इलाके में लगे CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा और वहीं देखा जाएगा कि CCTV में 3 संदिग्ध घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के लिए अपने गुप्त मुखबिरों और साथ ही स्थानीय खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया है। उनकी मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि चोरी किए गए गहनों को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखते थे और वहीं आरोपियों ने बताया कि वे बंद घरों को ही निशाना बनाते थे। जब वे चोरी करने जाते थे तो एक आरोपी घर के बाहर रेकी करता था और 2 आरोपी घर में घुसते थे और वहां पर रखे केवल नकदी और गहनों को ही निशाना बनाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के साथ इसी तरह के घर में चोरी के 5 मामलों को सुलझाया है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर पुलिस ने एक फर्जी गैंग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा बदलने के नाम पर अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस ने इस गैंग से 10,000 रुपए की नकदी बरामद की है और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने खुलासा किया कि वह जयपुर और दिल्ली में अपने साथियों के साथ ऐसी 3 और वारदातें कर चुका है। पुलिस ने IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महंगाई से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। इस समय आम जनता सब्जियों के बढ़ते दाम से परेशान है। रेहड़ी पटरी लगाने वालों का कहना है कि सब्जियां जब मंडी से महंगी मिलती हैं तो हम महंगी बेचते हैं और जब सस्ती मिलती हैं तो हम सस्ती बेचते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि रेहड़ी वाले मंडी से सस्ती सब्जियां लाकर महंगी सब्जियां जो है वो कॉलोनी में बेचते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि रेहड़ी वाले मंडी से सस्ती सब्जी लाकर महंगी सब्जियां कॉलोनी में बेचते हैं, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा, साथ ही बजट पर भी इसका असर पड़ रहा है। और इस वक्त सब्जियों के दाम पहले से ज्यादा है। मटर 40 रुपए किलो, गोभी 40 रुपए किलो और आलू के दाम पहले 10 रुपए किलो हुआ करते थे, अब 20 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं प्याज के दाम 40 रुपए और टमाटर के दाम थोड़े कम है। पहले टमाटर के दाम 80 रुपए किलो हुआ करते थे लेकिन अब 40 रुपए किलो है। आलू के 15-10। पुराने में रेट ना पता, मटर 4 चल रही है, मंडी भी महंगी आ रही है, पता ना क्या रेट है। मंडी में 150 रुपये धड़ी है, 150 रुपये धड़ी। हाँ थोड़े रेट सही है पहले से ना, पहले से सब सही मिल रही है। महंगी नहीं, नहीं महंगी नहीं है। अब तो टमाटर के रेट भी सही है, 30-40 रुपये सही आ रहे हैं। वैसे वो वाले टमाटर दूसरे वाले महंगे आ रहे हैं, वो 60 रुपये आ रहे हैं। काम धंधे लोगों के पास है नहीं, सब्जियों की और फल फ्रूट और जो भी है, जो घरेलू सामान जो हमारी गृहणियाँ जो इस्तेमाल करती हैं, इतनी महंगाई हो रही है, प्याज से टमाटर आलू जो भी है फल फ्रूट सब महंगी। नया वाला चल रहा है 15 रुपये। हाँ जी। और प्याज के क्या रेट है? प्याज चल रहा है 40, टमाटर चल रहा है 40। मंडी से क्या रेट लेकर आप लोग यहाँ पर आते हैं? मंडी से हम लेके आते हैं 30-32 रुपये। अब तो मैं काफ़ी खरीदते पहले तो मतलब कम खरीदते थे, पहले तो काफ़ी, पहले कोई ग्राहक था कोई 1 किलो वाला लेता था आधा किलो, अब 2 किलो वाला लेता था 1 किलो। महंगा ये तो सारे बराबर हैं, टमाटर हैं, सिंगरी हैं, गोभी है 40, टमाटर 40 भी है, 30 भी है।
हाँ अभी सस्ती नहीं है, अभी सस्ती नहीं है, अभी तो महंगी है। 40 रुपये किलो प्याज भी 40 है, 30 भी है, गोभी भी 30 है, 40 है। रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लॉन्च किया गया था। योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपए तक ऋण ले सकते थे। वहीं हमारी संवाददाता ने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले को व्यवसाय खड़ा करने के लिए लोन दिया जा रहा है और उन्हें जगह भी चिन्हित करके दी जाएगी। रेहड़ी पटरा खोमची वालों के हमेशा साथ था, साथ है, साथ रहेगा। उसी के तहत हमने लगभग 20 रेहड़ी पटरा खोमची वालों की पहचान की है, उनको सूचीबद्ध किया है। आने वाले समय में हम इनको स्थान उपलब्ध करवाने वाले हैं ताकि ये अपना काम, अपना व्यवसाय बिल्कुल खुले मन से कर पाए। पुलिस का डर ना हो, नियम के किसी अधिकारी का डर ना हो, किसी कर्मचारी का डर ना हो, अपने काम को अच्छे से कर पाए। हम इनको उपलब्ध लोन भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। जितना ये कमाते हैं उतना उनका ब्याज चला जाता है, इनको कुछ बच नहीं पाता, बड़े शोषित होते हैं, परेशान होते हैं। हमें इनकी मदद करनी है। प्रधानमंत्री ने विशेष इस पर जोर दिया था और हम लोग 26 जनवरी से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी पटरा खोमची वालों को लोन दिलवा पाएंगे हम प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हमने 6,652 लोगों को लोन दिया है, 10,000 रुपए लोन दिया है। इनके लिए 10,000 रुपए 10 लाख के बराबर होते हैं। ये डेली सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं। एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि इनको शिक्षा दें कि कैसे सामान बेचना है, कैसे आपने पेटीएम के माध्यम से पेमेंट लेनी है। ऑनलाइन पेमेंट लेंगे तो इनका वो सर्कुलर बढ़ेगा, अमाउंट का सर्कुलर बढ़ेगा। जो आज 10,000 रुपए लोन लिया कल 20,000 मिल सकता है, 10 लाख मिल सकता है। जितनी ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी उतनी इनकी फाइल अच्छी बनेगी। जब फाइल अच्छी बनेगी तो इनको लोन भी आसानी से होगा और देश के ये बहुत अच्छे व्यवसायिक बनेंगे। बस स्टैंड बनाने का मकसद लोगों को सहूलियत देने के लिए होता है, लेकिन शरद विहार का बस स्टैंड काफी सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, जिसकी छत पूरी तरह से टूट चुकी है। किसी भी वक्त बस स्टैंड की छत गिर सकती है और जिससे लोगों को खतरा रहता है, और साथ ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। और यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पहले बस भी रुकती थी, लेकिन अब बस स्टैंड पर अब कोई बस नहीं रुकती है, जिससे यहाँ के लोगों को दूर स्टैंड पर जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। नहीं नहीं, बस तो इधर से आती ही नहीं है, रुकने और ना रुकने की तो बात ही नहीं कर सकते। बस आती नहीं है और पहले बसें चलती थी इधर से, 400-473 का रूट भी यही था, 313 थी, लेकिन अब इस रूट से बसें नहीं आती हैं। बल्कि बस अगर लोगों को लेना होता है तो 1-2 किलोमीटर उनको चल के उस रोड पे जाना पड़ता है और उससे काफ़ी परेशानी होती है। और साथ में गवर्नमेंट फ्लैट है यहाँ पे, तो फ्लैट्स के लोग भी परेशान होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चालू करना चाहिए, क्योंकि जब मेट्रो का काम चल रहा था तो उस समय शायद बसों को रोक दिया गया था या बस वाले नहीं इधर से ले जाते थे कि कहीं फंस ना जाए। तो मेट्रो का काम बंद होने के बाद तो इनको चालू कर देना चाहिए था DTC डिपार्टमेंट को। हालत तो बहुत परेशानी हो रही है। पहले यह था कि 473, 313 दो रूटों की यह सब बसें तो कम से कम आती थी। जब मेट्रो का काम शुरू हुआ तो इधर का रास्ता बंद कर दिया गया था, उसके बाद वो परमानेंट ही उधर से निकल जाती है मेट्रो की तरफ से ही। कम से कम एक रूट की तो जो कम से कम आदमी को आने जाने का हो, आनंद यार बस अड्डे जानी होती है पूरे लोगों को, कम से कम बस अड्डे की तो सवारी होती ही होती है, वो तो है ही। और उसी वजह से वो नाले भी उसके पीछे, पहले तो जब बस स्टैंड था तो साफ सफाई भी हो जाती है, अब गंदगी पड़ी रहती है। दिल्ली में प्रदूषण लेवल में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसे में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दिल्ली में एंट्री कर चुका है। आए दिन ओमिक्रॉन के केस सामने आ रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग की विकास की करीब 136 परियोजनाओं पर के काम पर रोक लगाई हुई है और वहीं दूसरी तरफ कोरोना के लिए होने वाली तैयारियों में भी रुकावट आ रही है। वहीं विधायक एसके बग्गा का कहना है कि जैसे ही सरकार निर्माण कार्य से रोक हटाएगी उसके बाद जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ICU बेड बनने का है, जो काम वो पूरा कर दिया जाएगा। और वहीं विधायक ने यह भी आश्वासन दिया है कि मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदूषण के चक्कर में सारे कार्य बंद किए हुए, सरकार के ऑर्डर जैसे आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि प्रदूषण खत्म हो। देखिए स्कूल भी खोलेंगे हम, प्रदूषण खत्म होते ही कार्य होगा, बहुत जरूरी है ये। हमने जगह DDA से काफ़ी टाइम पहले ली थी,
कार्य निर्माण कार्य शुरू हो चुका है यहाँ पर, मैं जाता रहता हूँ यहाँ पे, तो अभी प्रदूषण की वजह से रुका हुआ है। जैसे प्रदूषण के ऑर्डर नेक्स्ट सरकार करेगी तो दिन रात काम चलेगा यहाँ पर, दिन रात हुआ भी है, मैंने चेक किया है, तो जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल का पोजीशन मिलेगा हमारे को। इसके 610 बेड बनने हैं यहाँ पर, लोगों की जो दिक्कतें थी आईसीयू की वो ख़त्म होंगी, प्लस उसके बाद जो लोग आते थे, मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। और इसमें काफ़ी 610 बेड का मतलब इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होगी और ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा बच्चों का। सर देखिएगा, नुकसान नहीं हो रहा मरीजों को, फ़ायदा होगा मरीजों को। जो ऑलरेडी पहले हॉस्पिटल वो तो चल ही रहा, वो बंद नहीं हुआ, उसमें कार्रवाई मतलब सारी हो रही हैं और मेडिसिन भी मिल रही है, बच्चे एडमिट भी हो रहे हैं। ये तो एडिशनल बनाया हमने प्लान यहाँ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, मंत्री जी भी आए थे यहाँ पर, CM साहब ने इसका उद्घाटन भी करना है, थोड़े दिन बाद उद्घाटन होगा इसका। अभी बेसमेंट बना है, अब बेसमेंट के ऊपर देखिए जैसे प्रदूषण खत्म होगा इसको शुरू कराएंगे। EDPL में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कृष्णानगर टीम को डॉक्टर मोगा और विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा प्लेयर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं प्लेयर्स का कहना है कि सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, हमें उम्मीद थी कि जीतेंगे, लेकिन आगे जीतने की पूरी मेहनत करेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत सांसद गौतम गंभीर द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्वी दिल्ली की कई टीमों ने हिस्सा लिया था। कृष्णानगर के अंदर, कृष्णानगर की जो विधानसभा की EDPL की टीम थी, जिन्होंने के बहुत ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचे, लेकिन आखिरी दो तीन ओवर्स के अंदर हम लोग रनर अप रह गए। उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए था और बाकी क्षेत्र की जनता को बताने के लिए था कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए खेलों के अंदर। कि आज जिन प्लेयर्स का सम्मान किया गया, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और आज अभी जिन लोगों को सम्मान मिला, बाहर वो बच्चे कह रहे थे कि आज डॉक्टर साहब ने मेरा सम्मान किया है और अगली बार हम ये फाइनल जीत कर आएंगे। सारे बच्चों को जो में टैलेंट था उनको दिखाने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे VK मोंगा जी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा, हम सब बच्चों को बुलाया हमें मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल जी, खेलेंगे जी, यहाँ से अगर हम परफॉर्म करेंगे तो जरूर देश के लिए खेलेंगे। एंड अब हर कोई प्लेयर्स जो अभी हमारे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, वो हम चाहते हैं कि अब आगे और मेहनत करें और नेक्स्ट ईयर और अच्छा परफॉर्म करें, ताकि हम नज़रों में आएँ। उसके बाद अगर हम नज़रों में आएंगे तो जरूर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर तो खेलेंगे। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में फूड डिलीवरी करने जा रहे एक शख्स को बदमाशों ने रोककर लूटपाट की। बदमाश डिलीवरी बॉय पर पिस्टल तानकर खड़े थे, तभी वहां से एक गाड़ी वाला गुजर रहा था और तो पिस्टल ताने शख्स पर टूट पड़ा और उसे दबोच लिया, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और बदमाश की जमकर धुनाई हो गई। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस को इस बारे में खबर मिली और पुलिस ने लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी खोड़ा कॉलोनी में रहता है और दुर्गेश नाम है। और आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी बरामद कर ली है और लगातार पूछताछ कर रही है। कृष्णानगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कृष्णानगर के विधायक SK बग्गा भी मौजूद रहे। आप कार्यालय में विधायक भी बैठेंगे कभी कभी और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे, साथ ही इलाके के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी कार्यालय आ सकते हैं, जिससे लोगों को भी सहूलियत होगी। ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है, जिस लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी यहाँ पर, वीक में मैं भी यहाँ बैठूंगा 1 घंटा, जो भी समस्याएं उन लोगों की होंगी नोट करेंगे, बकायदा उनका समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सारी कंप्लेंटियाँ दे सकते हैं आप, पानी की, सीवर की, बिजली की, सड़कों की, नालियों की, सफाई का तो बुरा ही हाल है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा कंप्लेंट सफाई की आ रही हैं, जो कि MCD का कार्य करते नहीं हैं वो लोग, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन आने वाले हैं, अगर लोग चाहेंगे तो सेवा का मौका देंगे तो वो भी काम करेंगे। यहाँ पे विधायक जी द्वारा और हमारे डॉक्टर रिंकू जी द्वारा, हमारे वार्ड अध्यक्ष रवि चौधरी जी द्वारा यहाँ समस्याएं सुनी जाएंगी और समय समय पर इधर हमारी रेखा दीक्षित निगम पार्षद है, वो भी हमारे बीच में ही हैं, वो भी समय देंगे, हम उन्हें कहेंगे अपना थोड़ा समय इस कार्यालय में दें। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुला है जो कि कृष्णानगर विधानसभा का सबके लिए है, चाहे वो 21 नंबर वार्ड हो, चाहे वो 22 नंबर वार्ड हो, चाहे वो 23 नंबर 24, ये कृष्णानगर विधानसभा का एक कम्प्लीट ऑफिस है आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।